में दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें मिलते रहे। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। प्राइवेट अस्पताल देरी से देते हैं आंकड़े, महाराष्ट्र सरकार का डेटा छुपाने का कोई इरादा नहीं, स्वास्थ्य मंत्री जयंद्र सलाब को बता दे। कोविड-19 वैक्सीन के लिए राज्य अपने स्तर से ग्लोबल टेंडर जारी कर रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र कई ग्लोबली रिकग्नाइज्ड कंपनियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है, जिसमें फाइबर, जॉनसन एंड जॉनसन, स्पुतनिक, एस्ट्राजेनेको जैसी कंपनी शामिल है। मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि इन कंपनियों से रेस्ट और क्वांटिटी भी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि हम शेड्यूल मांग रहे हैं लेकिन अभी दिया नहीं है। मंत्री ने केंद्र से मांग करते हुए कहा कि राज्यों के बीच वैक्सीन को लेकर भी वाद हो गया, इससे बेहतर होगा कि भारत सरकार ही प्रॉपर प्लानिंग करे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले संदर्भ हटाने का निर्देश, जयंद्र सलाह बता दे। बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने 2013 के बलात्कार के एक मामले में पत्रकार तरुण तेजपाल को बरी करने वाली सत्र अदालत को अपने फैसले में उन सभी संदर्भों को हटाने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया गया है जिसमें पीड़िता की पहचान उजागर होती है। उच्च न्यायालय अदालत की वेबसाइट पर फैसला अपलोड करने से पहले इन संदर्भों को हटाने का निर्देश दिया गया है। न्यायमूर्ति एस गुप्ता की अवकाशकालीन पीठ गोवा सरकार के उस अपील पर सुनवाई कर रही है जिसके मामले तेजपाल को बरी करने के सत्र न्यायाधीश क्षमा जोशी के 21 मई को दिए गए फैसले को चुनौती दी गई है। पुलिस 3 घंटे में ढूंढकर निकाला भिखारी का खोया हुआ बैग, 172,000 रुपए देख कर रह गई हैरान, जिया दरअसल आप बता दे। महाराष्ट्र के परली में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। वैजनाथ मंदिर के बाहर भीख मांगने वाले एक बाबूराम नेकड़े वाले के भिखारी का बैग अचानक खो गया, जिसके बाद परेशान भिखारी पुलिस से पास शिकायत लेकर पहुंच गया। उसके बैग खोने की शिकायत सुनकर पुलिस थोड़ा हैरान थी। भिखारी को लगातार रोता देख पुलिस थोड़ा सीरियस हुई और उससे पूछा कि आखिर उसके बैग में ऐसा क्या था जिसके लिए वह परेशान है। भिखारी ने रोते हुए पुलिस को बताया कि उनके बैग में 172,990 रुपए है, जिसके बाद पुलिस ने उसके बैग की तलाश शुरू की। काफी कोशिश के बाद आखिरकार पुलिस ने उसका बैग ढूंढ निकाला। आयुर्वेदिक डिग्री की आड़ में एलोपैथिक क्लिनिक चला रहा था डॉक्टर, सेक्स पावर बढ़ाने और अबॉर्शन वाली दवाएं जब्त, हुई गिरफ्तारी, जिया दरअसला बता दे। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी के बीच एक फर्जी डिग्री पर इलाज कराने वाले डॉक्टर का पर्दाफाश हुआ है। वाशिम जिले में रहने वाले डॉक्टर के पास आयुर्वेदिक की डिग्री थी लेकिन इसी की आड़ में वो एलोपैथिक क्लिनिक चला रहा था। वो धल्ले से अंग्रेजी दवाएं बेच रहा था। जैसे ही पुलिस को इस मामले की भनक लगी उसे क्लिनिक पर छापेमारी कर आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने रोशन क्लिनिक में बड़ी संख्या में एलोपैथिक दवाएं जब्त की है। डॉक्टर के क्लिनिक से अबॉर्शन, सेक्स पावर बढ़ाने और स्टेरॉइड समेत 20-25 लाख रुपए की दवाएं छापेमारी में बरामद की गई है। प्रमोशन में आरक्षण मुद्दे पर कांग्रेस ने दी उद्धव सरकार को समर्थन वापस लेने की धमकी, संजय राउत बोले पूरे 5 साल चलेगी सरकार, जी हां दरअसल आपको बता दे। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर एक बार फिर संकट के बादल आते दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर एनसीपी से तानातनी के बाद कांग्रेस ने सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दी है। कांग्रेस का कहना है कि इस मुद्दे पर उनका रुख बिल्कुल साफ है कि उन्हें शिवसेना प्रमुख और सीएम उद्धव को अपने फैसले के बारे में बता दिया है। शिवसेना एमएलए की गाड़ी को अज्ञात ने लगाई आग, विधायक बोले हिम्मत है तो सामने आकर करो वार, जी हां दरअसल आपको बता दे। शिवसेना के चर्चित विधायक संजय गायकवाड़ा की कार पर कुछ अज्ञात लोगों द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है, साथ ही उनकी कार को पूरी तरह से जलाने की भी कोशिश की गई है। राहत की बात यह कि जब यह घटना हुई तो उस समय कार में कोई भी मौजूद नहीं था। खबर के मुताबिक विधायक की इनोवा क्रिस्टा कार रात के समय घर के सामने खड़ी हुई थी, उसी दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने वहां पहुंच पेट्रोल डालकर गाड़ी को आग लगा दी, लेकिन तभी गाड़ी का सायरन बजा जिसकी वजह से आरोपी वहां से भाग गए। अनोखा मामला, सिर्फ एक पैसेंजर लेकर उड़ी मुंबई से दुबई के फ्लाइट क्रू मेंबर्स ने तालियां बजाकर किया स्वागत, जी हां दरअसल आपको बता दे। कोविड-19 संकट के बीच एक बेहद दिलचस्प मामला सामने आया है। अमीरात की फ्लाइट में केवल एक यात्री ने सफर किया है। दरअसल महामारी को लेकर इस वक्त हर कोई यात्रा करने से डर रहे हैं। विदेशों में भी लोगों की यात्रा लगभग न के बराबर हो रही है। जिन लोगों की यात्रा पहले से तय थी या तो उन्होंने रद्द कर दिया या आगे बढ़ा दिया गया। इसी बीच मुंबई से दुबई जाने के लिए फ्लाइट में केवल एक व्यक्ति का सफर करना हर किसी को चौंका देने वाला मामला है। यात्रा करने वाला शख्स का नाम भावेश ज्वेरी है जो कि दुबई में रहते हैं। उन्होंने अपनी इस यात्रा का एक वीडियो भी शेयर किया है जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी वायरल हो रहा है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे। फिर मुश्किल में फंसे परमवीर सिंह गिरफ्तारी से बचने के लिए मांगे 10 करोड़ रुपए,
क्रिकेट सट्टेबाज सोनू जलान का आरोप। जी हां, दरअसल आपको बता दे, मुंबई पुलिस पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। उन पर 10 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया गया है। परमवीर सिंह पर यह आरोप क्रिकेट सट्टेबाज सोनू जलान ने लगाया है। उसने खुलासा सीआईडी की पूछताछ में किया है। सोनू ने कहा कि पूर्व कमिश्नर उनसे कहा था कि अगर वह एक बड़े केस में गिरफ्तार होने से खुद को बचाना चाहते हैं तो उसे पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा को 10 करोड़ रुपए देने होंगे। वही महाराष्ट्र सीआईडी परमवीर सिंह, प्रदीप शर्मा और दूसरे पुलिस अधिकारियों पर लगे सोनू जलान के वसूली के आरोप में भी जाँच कर रही है। मुंबई को जल्द मिलेगी कोरोना वैक्सीन के करोड़ डोज। 18 सप्लाई ने बीएमसी के ग्लोबल टेंडर में दिखाई रुचि। जी हां, दरअसल आपको बता दे, मुंबई में बीएमसी ने कोरोना की 1 करोड़ वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर फाइनल किया था, जिस पर 8 वैक्सीन सप्लाई ने रिस्पांस दिया है। वही टेंडर फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ाकर 1 जून कर दिया गया है। पहले इसके लिए 25 मई तय की गई थी। बता दें कि वैक्सीन के 5 करोड़ डोज के लिए महाराष्ट्र सरकार ने भी ग्लोबल टेंडर भरा था, लेकिन उसे अब तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल के मुताबिक मुंबई के लिए 8 वैक्सीन सप्लायर वैक्सीन देने के लिए तैयार हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में मौत का आंकड़ा 500 के नीचे, कई जिलों में कोरोना से मौत का आंकड़ा हुआ शून्य। जी हां, दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र के साथ मौत भी आंख मिचौली खेलने के मूड में है। अगर मौत के आंकड़े को कोई स्पष्ट रुझान दिए तो अगले 3-4 दिनों में लॉकडाउन पर शिथिलन लाने के फैसले पर राज्य सरकार निश्चित होकर विचार कर पाएगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन मौत का आंकड़ा कोई स्पष्ट रुझान नहीं दे पा रहा। सोमवार को राज्य में सिर्फ 361 लोगों की मृत्यु हुई है। मंगलवार को मृत्यु की संख्या 600 को पार कर गई थी। बुधवार को राज्य में मृत्यु की संख्या एक बार फिर से 500 से नीचे आ गई है, यानी 453 लोगों की मौत हुई है। यानी मौत की संख्या कभी नीचे आ रही है, कभी ऊपर जा रही है। इससे सही स्थिति का आकलन करने में मुश्किलें सामने आ रही है। फिलहाल राज्य में मृत्यु दर 1.65% बना हुआ है। म्यूकोरमाइकोसिस के मुफ्त इलाज की ठाकरे सरकार के घोटाला एक झूठ, फंडवंशी का गंभीर आरोप। जिया, दरअसल आपको बता दे, राज्य में कोरोना संकट काल में ही माइकोरमिसोसिस यानी ब्लैक फंगस का भी प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक फिलहाल राज्य में करीब 2500 माइकोरमिकोसिस के मरीज है। राज्य के कई भागों में माइकोरमिकोसिस मरीज की मृत्यु हो रही है। इस बीमारी के इलाज का खर्चा उठाना आम आदमी के बस का बात नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है कि महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के तहत म्यूकोरमाइकोसिस के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेट के फैसले को शरद पवार ने बताया तरकहीन, पीएम मोदी से की दखल देने की मांग। जी हां, दरअसल आपको बता दे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने बुधवार को लक्षद्वीप के प्रशासन की उनके निर्णय को लेकर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि उसमें आजीविका के पारंपरिक साधन और इस द्वीप की अनोखी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे पत्र में पवार ने उनसे दखल देने की मांग की और कहा कि प्रशासन द्वारा किए गए निर्णय तर्कहीन है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे और उनकी सौतेली मां के बारे में लिखी आपत्तिजनक बातें, किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग। जी, दरअसल आपको बता दे, महाराष्ट्र में किताब में लिखी गई बातों को लेकर बवाल हो गया है। कांग्रेस से लेकर भाजपा के नेताओं ने इस पुस्तक को बैन करने की मांग की गई है। इस किताब में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी और उसकी शैलेंद्री मां के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखी गई है। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटेल ने कहा कि पुस्तक के लेखक गिरी कुबेर को अपनी पुस्तक रेनेसा स्टेट द रिंजेड स्टोरी ऑफ द मेकिंग ऑफ महाराष्ट्र में लिखे कंटेंट के लिए माफी मांगनी चाहिए। भाजपा नेता नारायण राठे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस व्यक्तित्व को महाराष्ट्र और देश के लोग देवता की तरह पूछते हैं, उनका यह अपमान वे बर्दाश्त नहीं करेंगे और लोग सत्ता की होली हो जाएंगे। मुंबई के अस्पताल में आगजनी से हुई थी 11 लोगों की मौत, 2 महीने बाद सीसीटीवी फुटेज सामने आया। जी हां, दरअसल आपको बता दे, मुंबई के भाभूर के ड्रीम मॉल के सनराइज अस्पताल में आगजनी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस आगजनी में 11 मरीजों की मौत हो गई थी। 25 मार्च को 11 बजे रात को हुई इस भीषण दुर्घटना के 2 महीने बाद हादसे के समय का सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी वीडियो में नजर आ रहे हैं कि कैसे ड्रीम मॉल के फर्स्ट फ्लोर की एक दुकान में आग लगने के बाद करीब रात 11:30 बजे धुआं ग्राउंड फ्लोर अस्पताल की तीसरी मंजिल पर पहुंचा और फिर अस्पताल में भगदड़ मच गई। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। दोस्तों, महाराष्ट्र निवासी चैनल को सब्सक्राइब करें। महाराष्ट्र जुड़ी सारी बड़ी खबर आपको इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में तब तक के लिए जय महाराष्ट्र, जय भारत।